वेलकम दोस्तों, यदि आपके शरीर में दर्द हो रहा है और वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है, जैसे कि पेट दर्द, दांतों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों में दर्द या कान में दर्द हो रहा है या आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा कौन सी मेडिसिन दी जाती है उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो दर्द के प्रकार, क्योंकि दर्द कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हल्का सर दर्द या तेज सर दर्द, आपके कान का दर्द, दांत का दर्द, पेट का दर्द, जोड़ों में दर्द हो रहा है या सूजन की वजह से दर्द हो रहा है, या आपके अंगों में दर्द हो रहा है, या आपको चोट लगने के कारण वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन सुटेबल होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे माइल्ड हेडेक, यानी हल्का सर दर्द, यानी जिसको कह सकते हैं सामान्य सर दर्द। तो ये उस कंडीशन में होती है जब आप स्ट्रेस में रहते हैं या टेंशन में रहते हैं, या आपकी बीपी जो है वो लो हो गई हो या बुखार आपको आ गया हो, तब वहाँ पे आपके सर में हल्का दर्द होने लगता है। तो इस दर्द को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, उन मेडिसिन में सबसे प्रमुख मेडिसिन है एस्पिरिन। एस्पिरिन मेडिसिन जो कि काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है, ये मेडिसिन आपके सामान्य सर दर्द में उपयोग की जाती है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो ये मेडिसिन आपको 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है, जिसको आप दिन में एक बार ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। अगर इस मेडिसिन के हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको उल्टी हो सकती है, मतली आ सकती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, आपके हृदय में जलन हो सकती है, तो ये इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो मेडिसिन है बोरोफेन। बोरोफेन काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, इसमें पाई जाती है आइबुप्रोफेन। ये मेडिसिन आपको 200 mg, 400 mg और 600 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। ये मेडिसिन भी आपके सामान्य सर दर्द में उपयोग की जाती है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो ये मेडिसिन 600 mg की टेबलेट को आप दिन में छोटा छोटा करके, यानी 300 mg या 200 mg करके आप दिन में तीन बार ले सकते हैं। अगर आप 600 mg लेते हैं तो दिन में एक बार ले सकते हैं। अगर इस मेडिसिन को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तब आपको नोजी आ सकती है, यानी मतली आ सकती है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, आपके हृदय में जलन हो सकती है, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ये मेडिसिन है एस्टा अमीनोफेन। ये मेडिसिन भी आपके सामान्य सर दर्द में उपयोग की जाती है। ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इस मेडिसिन की बात करें तो ये मेडिसिन आपको 500 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो ये मेडिसिन आपको 500 mg की स्ट्रेंथ वाली मेडिसिन सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की बात करें तो आपको उल्टी हो सकती है, मतली आ सकती है, चक्कर आ सकता है, आपके हृदय में जलन हो सकती है, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो मेडिसिन है कॉम्बिफ्लेम। कॉम्बिफ्लेम जिसमें आइब्रोप्रोफेन, पैरासीटामॉल पाई जाती है, ये मेडिसिन भी सामान्य सर दर्द में उपयोग की जा सकती है। इस मेडिसिन की अगर हम डोज की बात करें तो 300 mg की स्ट्रेंथ में आती है। ये मेडिसिन आपको जब ज़रूरत लगे तब इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि SOS की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, तो आपको उल्टी हो सकती है, मतली आ सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, आपके हार्ट में बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ईयर पेन, जैसे कि आपके कानों में दर्द है, अगर आपके कानों में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो वहाँ पे मुख्यतः जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन है एडविल। एडविल जिसमें पाया जाता है आइबुप्रोफेन, जो कि खासकर उपयोग की जाती है फीवर रिड्यूस पेन या पेन रिलीफर के रूप में, यानी ये आपके कान के दर्द को भी ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो अगर आप 200 mg की लेते हैं तो ये मेडिसिन आप सुबह शाम ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये मेडिसिन लेने के बाद आपको नोजिया हो सकती है, आपको मतली आ सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, आपके हृदय में
जलन की शिकायत हो सकती है। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वह है बोरोफेन। बोरोफेन टेबलेट जो कि और कई सारे दर्द को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन ये कान के दर्द को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो मेडिसिन आप 600 mg की मेडिसिन जो आती है वो दिन में एक बार ले सकते हैं। 200 mg की स्ट्रेंथ वाली आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर इस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको उल्टी हो सकती है, मतली आ सकती है, चक्कर आ सकता है, आपके हृदय में जलन की शिकायत हो सकती है। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो जैसे कि आपके टीथ में यानी आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आपके दांतों में झंझनाहट है या आपके दांतों के पास सूजन आ गई है, उसकी वजह से आपकी दांतें दर्द कर रही हैं, तो वहाँ पे जो मेडिसिन उपयोग की जाती है उनमें सबसे प्रमुख मेडिसिन है केटोरलैक टीटी। किटोरलैक डीटी टेबलेट जो कि खासकर दांत दर्द के लिए उपयोग की जाती है। ये मेडिसिन 10 mg की स्ट्रेंथ में आती है और ये मेडिसिन आप SOS की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब इसकी ज़रूरत हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, आपको चक्कर जैसी महसूस हो सकती है, हार्टबर्न की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ आप कुछ अदर मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हैं दांत दर्द को ठीक करने के लिए, जैसे डोलो फोर्स आती है वो भी इस्तेमाल की जाती है। कीटोलैक टेबलेट जो कि डिस्पर्सिबल टेबलेट होती है जिसको आप पानी में घोल के ले सकते हैं और आपको लगभग ये 10 से 15 मिनट में आपके दांत दर्द की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। वहीं अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो जैसे कि आपके पाँव में सूजन आ गई हो, कहीं पर मोच लग गया हो या कहीं पे चोट लग गई हो उसकी वजह से सूजन आ गई हो, तो वहाँ पे जो मुख्यतः टेबलेट यूज की जाती है वो टेबलेट है टेबलेट 0 dalp, जिसमें एसलोफिनेक पाई जाती है। ये मेडिसिन 100 mg की स्ट्रेंथ में आती है। अगर ये मेडिसिन आप लेते हैं तो ये मेडिसिन आपको 100 mg की स्ट्रेंथ वाली सुबह शाम ले सकते हैं। इस मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो नौजिया हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में जलन जैसी शिकायत आ सकती है। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें प्रॉब्लम की तो वह है एब्डोमिनल पेन। अगर आपके पेट के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है या राइट या लेफ्ट या एब्डोमिन रीजन में, तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन उपयोग की जा सकती है, तो उनमें जो मुख्यतः मेडिसिन उपयोग की जाती है वो मेडिसिन है मेप्टाल स्पास जो कि एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पाई जाती है मेफेनमिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन। ये मेडिसिन खासकर पेट दर्द को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो 500 mg में ये मेडिसिन आती है जिसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको नौजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, हार्ट बर्न की शिकायत हो सकती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो जैसे कि ऑर्गन पेन, अगर आपके अंगों में दर्द है जैसे कि आपके पेट में दर्द है, आपके ब्लैडर में दर्द है, आपके लीवर में दर्द है, आपकी किडनी में दर्द है, आपके यूरेथ्रा में दर्द है, तो ऑर्गन के हिसाब से कई सारी मेडिसिन आती है, लेकिन उसमें जो खासकर मेडिसिन एब्डोमिनल के लिए उपयोग की जाती है वो है डोटावेरिन टेबलेट फॉर्म में आती है। ये मेडिसिन आपके पेट में दर्द, लीवर, किडनी या गॉल ब्लैडर में दर्द हो रहा है तो उस मेडिसिन को लिया जा सकता है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो 40 mg BD के हिसाब से इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें इस मेडिसिन की तो आपको उल्टी हो सकती है, मतली आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आपके हार्ट में जलन हो सकती है, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इंजरी पेन, यानी अगर आप कहीं पे चोट लग गया हो, वहाँ पे घाव हो गया हो और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा हो, जैसे कि एक्सीडेंटल पेन होता है, तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो खासकर वो मेडिसिन दी जाती है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जो कि है अल्ट्रासेट नाम से आती है। इसमें पाया जाता है ट्रामाडाल एंड एस्टामिनोफेन। ट्रामाडाल जो कि ओपॉइड एनाल्जेसिक क्लास की मेडिकेशन है। यदि आपके शरीर में कहीं भी चोट लगी हो उसके कारण अगर दर्द हो रहा है तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन की डोज की बात करें तो 40 mg BD के हिसाब से इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नौजिया की प्रॉब्लम, वोमिटिंग की प्रॉब्लम, डिजनेस या स्लीपनेस की प्रॉब्लम हो सकती है।
वही नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, आर्थराइटिस पेन। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा हो या कहीं पे जॉइंट में अगर पेन हो रहा हो तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है? तो वो मेडिसिन है इटारसिकोम, जो कि इट्रोकॉक्सिबम नाम से आती है। ये मेडिसिन कॉक्सीबेन या अदर कई सारे ब्रांडेड कंपनी हैं उनके नाम से मिल जाएगी। ये खासकर जोड़ों के दर्द में उपयोग की जाती है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो 90 mg की टेबलेट आती है, जिसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। इस मेडिसिन के अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग यानी उल्टी मतली, चक्कर आना और आपको स्लीपनेस जैसी फील हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू दोस्तों।